Hello and welcome to The Quest on Rajya Sabha TV. I'm Rakhee Bakshee. In this show, we keep talking to leading political personalities. And the guest this week with us is the president of Janata Dal U and also a member of parliament. He's just won the best parliamentarian award and we congratulate him for that. Bahut badhai, sir. Thank you. So nice. Ek aise samay mein, jab sab log dekh rahe hain loktantra ki taraf aur pure vishw mein main kahungi ki loktantra ke liye jo ek maang hai wo zyada badh rahi hai. ऐसे में भारतीय संसद के प्रतिनिधि और उसमें भी जब आपको सम्मान मिलता है कैसा लगता है आपको और क्या देखिए सम्मान तो हर एक के मन को ठीक लगता है लेकिन जो देश और खास करके अपने देश को बनाने के जो सपने होते हैं वो जब पूरे नहीं होते हैं तो ये सारे सम्मान इसलिए मिलते हैं कि देश की जनता की जो सारी समस्याएं उनके लिए बहस का सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा मंच हो एक ये संस्था है जी। लेकिन 68 बरस में एक 80% आदमी 80% आबादी हाशिए पे खड़ी है दुनिया में हमारा और लोकतंत्र का बहुत हमारे लोग यश गाते हैं लेकिन अद्भुत है ये मामला कि हजारों साल से ये यानी कहीं ना कहीं जो सम्मान आपको मिला है आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि काश कि हम सब जो है एक समानता की दृष्टि से कि सब लोग संपन्नता की ओर बढ़े जैसे कि आप कह रहे हैं जो हाशिए पर लोग हैं उनके लिए आपके अभी भी मैं संपन्नता की बात भी नहीं करता एक आदमी की जरूरत जी। पूरी होते रहे जी। वो एक तरह से ऐसी तबाही और ऐसी लाचारी बेबसी की जिंदगी न जिए ये मेरा मकसद है जैसा कि आपने कहा कि एक सर्वोच्च संस्था है और उसमें आप हैं क्या आपकी सोच है क्योंकि बहुत सारी बातें आजकल संदर्भ में होती है कहीं कि किस तरह से रुक जाता है पार्लियामेंट चलती नहीं है पार्लियामेंट में बहस अच्छी होनी चाहिए क्या सोच है आपकी आज के दौर में क्या लोगों को ज्यादा पार्लियामेंट की तरफ देखकर बहुत कुछ सीखने का जो अवसर मिलना चाहिए वो मिल रहा है या नहीं आपकी सोच देखिए बात आपकी जो है वो अधूरी ठीक है पहले का दौर जब मैं 5वीं लोकसभा में आया था तो वो आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिए हुए लोगों की ज्यादा बड़ी संख्या थी और जो लड़ाई लड़ता है उसके ज्ञान और उसकी सारी दृष्टि देश को समझने की विस्तार हो जाती आज परिस्थिति यह है कि दुनिया भी बदली है और देश में भी काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है लेकिन एक छोटा सा या एक समूचा देश नहीं एक हिस्सा है देश का जो आगे बढ़ा है हर तरह से आगे बढ़ा है चाहे वो है ना हैसियत में हो ताकत में हो उसकी आर्थिक हालत हो लेकिन जो हालत जी। और ये लोकतंत्र जो है वो उन्हीं लोगों से निर्भर है वो जो इस देश की बहुसंख्यक समाज है उसके ऊपर ही ये लोकशाही और लोकतंत्र जो है वो टिका हुआ है यहीं से शुरू करूंगी कि संसद में एक प्रतिनिधि एक सांसद जब अपनी आवाज़ उठाता है तो कई सारे लोगों की वो आवाज़ बनकर सामने आता है कहाँ आपको लगता है कि जहाँ उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं उसको इसका ज़्यादा से ज़्यादा और आभास होना चाहिए क्योंकि अगर हम आज के खासकर करंट कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो बहुत ऐसी बातें कहीं होती हैं जहाँ सांसद के बारे में कई तरह की गलत धारणा बनती जा रही है या गलत कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं तो आप बिल्कुल नहीं मैं मानता हूँ कि जो हर तरह की वॉक ऑफ लाइफ में जो बिगाड़ पैदा हुए हैं प्रोपोर्शनेट उतने ही विकार यहाँ पैदा हुए हैं इसलिए कि ये ऐसा सदन है जिसके पार कोई चीज़ नहीं है ये ऐसी ठिकाना है कि जहाँ ये अंतिम सभा है अंतिम अदालत है अंतिम लोगों की आवाज़ का एक ठिकाना है जी। तो निश्चित तौर पर पहले और अब में अंतर यह है कि बहुत से ऐसे लोग आ रहे हैं जैसे मान लो कॉरपोरेट्स के लोग हैं बहुत से लोग ऐसे आ रहे हैं कि यानी जो नया मीडिया आया है विस्तार जो हुआ उसमें
पार्लियामेंट के बगैर ही उनकी उनको एक बड़ा लीजेंड बनाया जाता है। ऐसे लोग भी आ रहे हैं, लेकिन वो खेल में लीजेंड हो सकते हैं, वो सिनेमा में बहुत आगे हो सकते हैं, लेकिन राजनीति जो है वो भारतीय समाज की सभी लोगों की जिंदगी को पढ़ने के बाद वो अकेले ज्ञान किताबों से नहीं आता है, वो जीने से भी आता है। उसकी कमी हुई है, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं हैं यहाँ, वो हैं यहाँ और वो बहस भी करते हैं, लेकिन यहाँ एक बात हो गई कि खराब बात को अंधेरे को दिखा रहे हैं ज़्यादा, उजाला जो है उसको दिखाने का। आपको कारण क्या लगता है कि सभी तरह के, जैसा आपने कहा कि लोग हैं, लेकिन कारण क्या लगता है कि जिस तरह की जिम्मेदारी और दायित्व निभा सकते हैं, जिस गंभीरता के साथ, जो इतना बड़ा दायित्व, आपकी सोच क्या है इस वक्त की? मेरी सोच यह है कि समूचे देश में, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो आपकी पार्लियामेंट हो जी, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी हो जी, और इन सब की साख और अच्छा और बुरा दिखाने की ताकत है मीडिया में, इन सबको मिलकर के अंधेरा ही अंधेरा मत दिखाओ। जब आप कह रहे हो हम बेस्ट पार्लियामेंटेरियन, तो हमारा 40 बरस का जी दौर है, कब हमारी तरफ से कोई ऐसी बात हुई? हम भी इस देश में, इस पार्लियामेंट में हैं, मेरे जैसे और लोग भी हैं, लेकिन इनाम मिला है, खिताब मिला है, तब चर्चा में है, उसके पहले भी चर्चा होना चाहिए जी। तो इसलिए इसलिए एक खराबी साथ साथ ये भी चल रही है कि दृष्टिकोण कैसा, दृष्टिकोण चमक दमक, यानी आप देखेंगे कि हर चीज में, कोई सरकारी फंक्शन हो रहा है, कोई गैर सरकारी हो रहा है, भव्यता जी, जरूर भव्यता लाओ, लेकिन देश भी जो कम से कम इंसान के लिए जीने की चीजें, उन सबको, अच्छा देश मजबूत होता नहीं जी? जितना हमने आपको संसद में देखा, आप हमेशा इस बात की कहीं ना कहीं वकालत करते रहे कि सादगी में किस तरह से बेहतर प्रदर्शन हो, लेकिन हम थोड़ी और बातें करेंगे पार्टी के बारे में भी और राजनीतिक बातें भी आपसे करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं। यू वॉचिंग द क्वेस्ट राइट नाउ, वी आर टॉकिंग टू मिस्टर शरद यादव, विल कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। So you watching the quest right now and we are talking to Mr. Sharad Yadav in this program right now. बिहार पर जरूर आऊंगी क्योंकि संदर्भ में है। क्या लगता है कि अब यही एक फॉर्मूला बचा था जब ऐसे लोग जिनसे आपकी दूरियां पहले नहीं उनके साथ आगे आ गए कांग्रेस जेडीयू आगे? अंतिम सवाल आपने कहा था सादगी, मैं कहता हूं कि भव्यता ले आओ, लेकिन पूरे देश की लाओगे कि नहीं लाओगे जी? या कुछ सीमित लोग ही भव्य रहेंगे? और हम सादगी नहीं, हम तो मिनिमम जरूरत है उसको लेते। रहा सवाल बिहार का, तो बिहार में जो जनता दल अलग अलग था उसमें साझा हुआ है, और वो साझा हर समय देश में चुनौती रहती है। हमने हमारी तीन सरकार बनी जनता दल में, तो सरकार बनी और हमने सरकार छोड़ी है मुद्दों पर। हिंदुस्तान का जब आइन खतरे में आया तो आडवाणी जी रथ यात्रा निकले थे और उन्होंने कहा शिलान्यास करेंगे, और हमको छुआ तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। हमने वो जोखिम उठाया, भारत सरकार चली गई। तो जोखिम उठाते हैं, उन्हीं से दुनिया चल रही है, भले उनको ये तात्कालिक जो सफलता की दुनिया है वो जरूर उसको इग्नोर करती है, लेकिन देश और दुनिया हमेशा जो मूल्यों पे, जो लोगों के लिए लड़के त्याग करते हैं, उनको ही दुनिया याद रखती है। कहीं ना कहीं जब अलग हुए, जैसे आपने बात की जोखिम उठाने की, जब अलग हुए बीजेपी से बिहार में, तो कहीं ये सोचने में आया कहीं भी, हालांकि आप एक नई राह पर अब चल रहे हैं, कि आखिर कुछ और विचार कर सकते थे अलग होने से पहले? नहीं, ऐसा है कि हम राजनीति में हैं, हमारा परसेप्शन जो है वो साधारण और बाहर के लोग नहीं जानते। हम गहराई से जानते हैं कि कौन पार्टी किस चाल पर चल रही है। नेशनल एजेंडे पे हम साथ थे, सब विवादास्पद मुद्दे
चाहे बीजेपी के थे चाहे हमारे थे, वो परे थे और संविधान के दायरे में नेशनल एजेंडा बना हुआ था, उससे वो अलग जाने लगे बीजेपी के लोग। और वो तो हम जब भारत सरकार छोड़ सकते हैं तो अलायंस जो है वो हमारे लिए छोटी चीज़ हो गई। इसलिए हमने हमारा परसेप्शन था कि ये रास्ता बदल रहा है और ये आगे आने वाले देश को दिख जाएगा। और ये जो अभी बिहार का गठबंधन है ये आगे भी चलेगा, ये सवाल जाहिर है कि बहुत लोग आपसे पूछ ही रहे होंगे। कोई चीज स्थिर नहीं है इस देश में, तो स्थिरता है ही नहीं, यानी इसमें बिगाड़ की तरफ स्थिरता है। अच्छाई के लिए प्रयास करना और उसे बनाए रखना बड़ी चुनौती। आप ये जो कह रहे हैं, कुछ और लोग इसे दूसरे संदर्भ में अवसरवाद कह सकते हैं कि जब कहीं ना कहीं अवसरवाद का सहारा लेकर कुछ लोग ऐसे सामने आ जाते हैं और साथ आ जाते हैं जो साथ थे नहीं और सोच नहीं सकते थे कि साथ नहीं। अवसरवाद की परिभाषा, यानी इस देश में पिछले 20 पहली बार एक पार्टी को बहुमत मिला है, पिछले 20 साल से साझा सरकार बन रही है, देश की जनता जो है वो फैसला साझा कर रही है, कई तरह के विचार के लोगों के हाथ में जी मिला करके बहुमत दे रही है जी। अब उसको अवसरवाद कहो तो ये अवसरवाद है। और इस देश में कितनी तरह के समीकरण बदलते रहते हैं जी, बिल्कुल। तो ये नहीं सोचते हो कि कैसा देश है ये, यानी भारतीय समाज जो है वो इतना विचित्र और इतना विविध है और इतना उलझा हुआ है कि इतने समाज में अंतर द्वंद दुनिया में कहीं नहीं है। क्योंकि ये बात आगे उठने लगी कि क्या उत्तर प्रदेश में कुछ पार्टियां साथ आ जाएंगी, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी है या समाजवादी। हमने कश्मीर में देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अलग होने की बात कर ली। एक तरफ पश्चिम बंगाल है जहाँ पर लेफ्ट है और तृणमूल कांग्रेस, तो आप पूरी परिस्थिति को किस तरह? बहुत कठिन देश है। आप उस सवाल को जो पूछ रहे उसे करने में बड़ी भारी और ये कोई पहली बार नहीं है। हम देश में जब NDA के साथ थे तो भारत बंद कैसे हुआ? दो बार हुआ ना। भारत बंद मामूली चीज नहीं है, ये कोई दिल्ली में किसी तरह का आंदोलन करना नहीं है। कठिनाई से और चुनौती से हम पैदा हुए तब से ही, और उस पर हमारी समझ में कोई गड़बड़ नहीं होती, इसलिए कि हम जिस समाज में पैदा हुए उसमें ये सजाएं हैं। और ये जो गठबंधन हुआ है वो देश के सामने पहला कदम हमने उठाया है, जो वर्तमान कदम पहले उठाया है, अब इसका विस्तार करना है चुनौती उसमें। अब वो चुनौती जो है वो कैसे पूरी होगी, यदि आपके साथ बात करके बता दें तो वो तो खेल ही खराब हो जाएगा जी। बिल्कुल, आपकी अपनी विवेचना जरूर होगी। जो वर्तमान अब सरकार है, सबके सामने है ये और एक रियलिटी है, वास्तविकता है, कहाँ किस तरह से आंक रहे हैं आप एक राजनीतिक? क्या आंकना है, ये सरकार कोई नई तो है नहीं, बीजेपी की सरकार पहले भी रही है, हमारी सरकार भी रही है, कांग्रेस की भी रही है। देश तो कुछ लोगों को ही बेहतर और अच्छी, और चाहे जो कह दीजिए जो इलिटिस्ट क्लास है और मिडिल क्लास, उसको किसी कोई नाम दे दीजिए, लेकिन बहुसंख्यक देश की जनता जी जहाँ खड़ी थी आज़ादी के बाद वहीं खड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी का पूरा थीम रहा है और जिस तरह सामाजिक न्याय के लिए आगे बढ़े हैं आप लोग, आपको लगता है कि वो स्पेस जो है वो दोबारा बन रही है और उसको आगे ले जाने की सोच? वो कभी हजारों साल से नहीं मिटा है, यानी हिंदुस्तान में विषमता यदि कोई बोलता है तो एक आर्थिक विषमता बोल करके ख़त्म करता है तो वो पाखंडी है। आर्थिक और सामाजिक विषमता दोनों जुड़े हुए सवाल हैं, ये जुड़वा एक सिक्के के दो पहलू हैं। इससे पहले कि मैं छोटे से और ब्रेक पर जाऊँ, आपने विषमता की जो बात की है तो कहीं ना कहीं स्त्री पुरुष और समान अधिकार की बात होती है, और समान अधिकार की अगर बात होती है तो राजनीतिक अधिकार की बात होती है। जहाँ तक महिला आरक्षण बिल का सवाल है, क्यों आखिर ये पास नहीं होना चाहिए और क्यों महिलाओं को समान नहीं? बिल्कुल पास होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि एक तबका है जो ऊंचा तबका बन गया है, वो हजारों साल से रूल कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत की जो हकीकत है उसमें इनकॉर्पोरेट करके
33 क्यों देते हो, 50 दे दो। लेकिन इस देश का जो दलित है, जो आदिवासी है जी, और ऊंचे तबके में कोई अंतर नहीं होगा। उनके जन्म में अंतर है, उनकी जिंदगी में अंतर है, उनके एनवायरनमेंट में अंतर है। काबिलियत क्या है, एनवायरमेंटल प्रिविलेज है जी, बिल्कुल। तो इस हकीकत को छोड़कर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। लेकिन इस देश में पंचायत में ये किया है, लेकिन यहाँ जब करते हैं तो ये कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ महिला रखो। आपको लगता है और बातचीत आगे होनी चाहिए? अब संदर्भ है, हमने दो महिला स्पीकर को देखा है, पहले आई अब है, तो आपको लगता है कि एक रास्ता नए तौर पे बनना चाहिए? ये स्पीकर से नहीं होता। नहीं, मैं एक सिंबॉलिक बात कर रही हूं। सिंबॉलिक क्यों, ये देश की हकीकत के साथ जुड़ा हुआ है। यदि कोई इस तरह कर लेगा, भारतीय समाज की हकीकत दलित है, आपका आदिवासी है, और किसान जिसको पिछड़ी जी, और अकलियत के लोग हैं, ये 80-85% होते हैं, इनको उसमें हिस्सेदारी बराबरी का देना पड़ेगा आपको। आप नहीं देते हैं, चलिए तो आप तो बहस की शुरुआत लेकिन होनी चाहिए। बहस तो इतने दिन से चल रही है और इनने ये कर दिया कि हम महिलाओं के खिलाफ हैं। नहीं नहीं, इतने बड़े झूठे लोग, वही शायद आपको इस मंच पे शायद बोलना भी चाहिए। लेकिन एक छोटा सा और ब्रेक ले लेते हैं। वी आर टॉकिंग टू मिस्टर शरद यादव, यू आर वॉचिंग द क्वेस्ट एंड वी आर टॉकिंग टू हिम राइट नाउ इन दिस प्रोग्राम, डोंट गो अवे। वेलकम बैक टू द शो एंड वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर शरद यादव। अच्छी आपने एक बात से शुरुआत की थी, तो ये जो धारणा बन रही है कि कुछ नेता जो हैं ऐसा क्यों बोल जाते हैं, या ऐसा क्यों लगता है कि कुछ महिलाओं के लिए संवेदनशीलता कम है, आपको लगता है कि समझने में मुश्किल है, ये क्या कहाँ मुश्किल? नहीं, ये चर्चा सतही है। ऊपर जो तरवर होता है, वृक्ष होता है, वो ऊपर ही नहीं होता है, उसके नीचे भी बहुत गहराई तक धरती होती है। आपकी बात अधूरी सही है जी, बार बार आप अधूरी करें, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश। नहीं, अधूरी नहीं, आपका मामला नहीं है वो। आपका सवाल जो है उसी संदर्भ में, नहीं उसी संदर्भ में है जी। मैं ये कह रहा हूं कि जो बात आप कह रहे वो सही है। इस देश की माँ सदियों से गुलाम है। वो क्यों गुलाम है? इसलिए कि हिंदुस्तान का भारतीय समाज, और उसमें सबसे बड़ा समाज है हिंदू समाज, फिर मुस्लिम आते हैं जी, फिर ईसाई और क्रिश्चियन आते, सिख आते हैं। इनमें कास्ट सिस्टम जो है वो हिंदुओं में जो है वो मुसलमान में, सब जगह है, सब जगह है। तो आप कह रहे हैं ये वास्तविकता है जो रही है? वास्तविकता नहीं। अब जब माँ को आपने सिर्फ कास्ट चलाने के लिए स्लेव कर दिया, गुलाम कर दिया, तो वो माँ तो जो है वो सब लोगों की, इस धरा पे जो आने वाले सबकी मदर है, और उसको यदि आपने स्लेव कर दिया, जंजीरों में जकड़ दिया, और फिर ये उस ऊपरी सतह की बात कर रहा है, ये कानून बना दो, इससे पूरी बहस तो करो। ये भारतीय समाज जो खंड खंड है, जिससे पाखंड पैदा हो रहा है, इसको सबरस बनाओ। आपने जो पोखर पोखर में पानी बंद है तो सड़ेगा जी, यदि नदी बनेगी तो चलेगा, बिल्कुल प्रवाह होना चाहिए। आपने जो एक बात की, तो अभी संसद में हम देख रहे हैं बहस हुई, और कहीं ना कहीं जो हम एक सेक्युलर फैब्रिक की बात कर रहे हैं उस पर काफी बहस हुई। बीजेपी के एक नेता ने कुछ ऐसी बातें कही जो बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगी है, एक समुदाय को लेकर पूरी बात कर दी। तो ये जो बहस शुरू हो गई और दो पार्टियों के बीच कि कौन ज़्यादा संवेदनशील है और कौन ज़्यादा सेक्युलर धागे को समझता है, किसके टाइम में दंगे कम हुए और ज़्यादा हुए, ये सब बहस जो अब आ रही है, आप किस तरह से? मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग ये बात कह रहे हैं वो देश बना नहीं रहे हैं। हिंदू की बात करेंगे तो बाबा साहब संविधान बनाने वाला था, वो इतना अपने जीवन से, अपने लोगों के जीवन से जिस तरह से आहत था, उसने कहा मैं पैदा तो जरूर हिंदू में हुआ, लेकिन अब मेरे बस में है कि मैं हिंदू में नहीं तो बुद्धिस्ट हो गया। इसी तरह बहुत लोग सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं हजारों साल से, लेकिन अब उनके भीतर चेतना आई है जी। तो निश्चित तौर पर जो चर्चाएं लोग कह रहे हैं कि हाँ हिंदू हिंदू से जिसको जो राज कर रहे हैं, जो सब कुछ, संपत्ति, संपदा, इज्जत, मान सम्मान, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, सब चीज जिनके हाथ में है, वो ये नारा लगा रहे हैं। लेकिन जो 80% कोई लकड़ी से, कोई लोहे से, कोई
है ना, हर तरह के धंधे और प्रोफेशन से बंधे हुए लोग हैं, और वो बहुत लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी 10 करोड़ हैं, ये सारे लोग जो हैं उनकी जिंदगी, उनको किसी नाम दे दो, ईसाई का नाम दे दो, मुसलमान का नाम दे दो, हिंदू का नाम, उनकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी? और ये जो है बदलना नहीं चाहते, इसलिए नारा लगा रहे हैं। तो चर्चा और सार्थक होनी चाहिए, कुछ सही ढंग से होनी चाहिए, ऐसा आपको नहीं लगता? नहीं, सार्थक नहीं, ये जो सवाल उठा रहे हैं वो, ये कोई कहे कि अकलियत के खिलाफ नहीं, ये 80% जो हिंदू है, जो पूरी तरह से वीकर सेक्शन में है, वो कहीं नहीं है। और जब मैं ये कहता हूँ तो जिन, जो लोग घोर कास्टिज्म कर रहे हैं, वो जिन लोगों, जो जो लोग कहते हैं, तो मेरे को तो वो बहस से नहीं हरा सकते, लेकिन बाकी जो लोग होते हैं उनको वो कई तरह के नाम से पुकारते हैं। आपने बहस की बात की तो याद आया कि बहस के बारे में बार बार बात होती है कि बहस और अच्छी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, नए लोग काफ़ी आए हैं इस बार MP, उनको भी जगह मिलनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि किस तरह से सदन के अंदर जो आवाज़ एक बैलेंस होना चाहिए सबका, वो और होना चाहिए, आप ये मानते हैं? नहीं, ये ऊपरी जो लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उनकी समझ जो है, वो सोचते हैं कि दुनिया हमारी जैसी ही बन जाए। सवाल है ना कि देश 68 बरस में कई बदलाव उसमें हो गए जी, और बदलाव में देश बेचैन है, क्षेत्रीय पार्टियों की संख्या बढ़ गई, उनका मालिक बैठा बाहर, वो जो कह देगा वो करेंगे, ना स्पीकर की मानेंगे ना कोई दूसरे की मानेंगे, कभी कभी हाँ हमारी बात मानते हैं लेकिन वो उतनी मानते कि हुकुम जहाँ से आया वो, कोई उस हुकुम में कोई अंतर ना पड़े। सही बात आपने कही। तो ये आजकल ना लोगों को मालूम नहीं, बाहर लोगों को, कि देश जो है वो जिस तरह से उसमें अंतर विरोध नहीं, अंतर विरोध थे जी, वो सामने आ गए हैं। हाँ, हम बहस करने को तैयार हैं। एक बात जो मैंने आपकी हमेशा से नोट की है, और आपने कहा है हमेशा से इस बात को, कि राजनीति जो है वो पढ़ाई और सिखाई नहीं जा सकती, राजनीति अंदर से आती है, जो एक वातावरण में आपके अंदर गुण होते हैं, तो आप इस बात को अभी भी मानेंगे? क्योंकि अगर आप देखें तो एक तबका ऐसा आता है, कहाँ से पढ़े लिखे हैं, किसी के बेटे हैं, डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात होती है, आप आज की राजनीति। मेरी बात अधूरी पकड़ ली आपने, यानी अनुभव जो है वो लोगों के बीच में जीने से आता है, और उनकी बात रखने के लिए ज्ञान भी जरूरी है। ज्ञान का मतलब पढ़ाई लिखाई तैयारी है। जैसे मान लो हम खड़े होते हैं, हमारे हाथ में पेपर देखा कभी आपने, तो हम बगैर पेपर के बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हम मतलब लाइब्रेरी में बहुत उम्र गुजारी है, जेल में हमने बहुत उम्र गुजारी है, हर तरह की ज़िंदगी को हम जानते हैं। किसी के बारे में भी चर्चा हो रही होगी तो हम, हमारे में जो ठीक रास्ता है वो उस पर खड़ा होंगे, हमारी समझ के अनुसार। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि कबीर तो कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आज की दुनिया में कबीर को हर तरह से पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, और समाज का अनुभव, उसमें समाज के अनुभव को जो इग्नोर करते हैं लोग जी। उसके बारे में बोलता हूँ कि तू देखे है पोथी देखी, और मैं बोलूं आंखों देखी, वो उस समय की बात, आज संतुलन करके दोनों चीज देखना पड़ेगी जी। और एक जो बिल्कुल संदर्भ में, और अभी आप जा भी रहे हैं संसद, तो जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी बिल की जो बात है, किस तरह से, हालांकि अब तो सदन में आ गया, लेकिन मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, ये कोई सिस्टम ले आओ, ये जो काबिल मुट्ठी भर लोग हैं उनमें से ही लोग निकलेंगे। ये जुड़ एक कॉलेजियम सिस्टम निकला है जस्टिस वर्मा के बाद, और वो फिर उसी से कह रहे थे कि बेकार हो गया, वो तो हमारे साथ वाले आदमी थे, वो जबलपुर के थे, हम भी जबलपुर के। अब आज फिर से ये कह रहे हैं कि एक नया सिस्टम है ना, पुराना सिस्टम को थोड़ा बहुत सुधार के फिर लाएंगे। अरे भाई, जो पूरी की पूरी जुडिशरी है उसमें 80% आदमी तो कहीं है ही नहीं। अब मैंने कहा इसलिए इन्होंने एक आदमी रखने, कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी में। अब मैंने इलेक्शन कमीशन में भी कहा था, तो इनने ऐसा रास्ता निकाला जो इस देश के शासक वर्ग के लोग हैं, कि आदिवासी लेना, नरसिंह राव जी से कहा था आदिवासी लो, माइनॉरिटी लो, और एक जो भारतीय समाज में संपन्न वर्ग उससे लो। इनने ऐसा रास्ता निकाला, सिख ले लिया, और नॉर्थ ईस्ट पर लोग लेते हैं,
यानी मेरी बात जो थी, मेरी नीयत जो थी, मेरा सपना जो था, उनने वहीं तोड़ दिया। इनने भी ये, जब मैंने कहा रविशंकर प्रसाद से कि भाई ये आप बना रहे हो, तो मैंने सोचता कि इसमें कोई बदलाव होगा, तुम 80% लोग तो कहीं है ही नहीं। चलिए, और लेकिन आपका जो अनुभव है उसकी बात को ज़रूर कहीं ना कहीं मुझे लगता है जगह मिलेगी। अब जबकि हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, कल 15 अगस्त है, तो कैसे देखते हैं अब आज का भारत, क्या सोच है आपकी? नहीं, मैं ये देखता हूँ कि विज्ञान की तरक्की में जो एफ्लुएंट सेक्शन वो तो आगे बढ़ा है। अब मोबाइल यदि मान लो गरीब के हाथ में आए तो उसका विकास नहीं हो गया, साइकिल आ गई तो उसका विकास नहीं हो गया। वो जब समूचे समाज की जिंदगी जो उसकी मिनिमम नीड्स हैं, अब उसके लिए कोई शब्द नहीं दे रहा हूँ, वो जब तक मजबूत नहीं होगा भारत मजबूत नहीं होता। तो क्या कहेंगे आप विकास के मायने? मैं ये कह रहा हूँ कि हमको अपना सारा ध्यान जो है वो अपने देश के भीतर जो कमजोर लोग हैं, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, मान सम्मान, इज्जत, संपत्ति, संपदा, सब उनसे वो अलग हैं, उनको मजबूत किए बगैर भारत कभी मजबूत नहीं हो सकता, न विकास के रास्ते पर जा सकता है। और यही कहीं ना कहीं आपका अपना सपना क्या होगा, इस प्रोग्राम में अक्सर हम बात करते हैं। मेरा सपना है कि संपूर्ण भारत एक सा, जैसे आदमी का शरीर, पैर भी ठीक होना चाहिए, हाथ भी ठीक होना चाहिए, हर अंग ठीक होता है तो वो स्वस्थ आदमी होता है। और आज यहाँ तो अजीब बात है कि वो स्वस्थ है लेकिन पेट उसका यानी निरंतर। तो सभी एक कतार में खड़े हों, यही आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कतार नहीं, संपूर्ण भारत मजबूत नहीं होगा तो 15 अगस्त का फंक्शन संपूर्ण नहीं हो। बहुत अच्छी बात आपने कही है और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद इस कार्यक्रम में। एंड दैट वाज मिस्टर शरद यादव, वी वर टॉकिंग टू, टॉक्ड अबाउट लॉट ऑफ इश्यूज इन दिस प्रोग्राम। होप यू लाइक दिस एडिशन ऑफ द क्वेस्ट। कीप वॉचिंग। नमस्कार एंड बाय बाय।